हमास और इसराइल के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा गाजा के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसराइल ने गाजा को चारों ओर से सील कर दिया है। गाजा में भोजन, पानी, ईंधन सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। गाजा का एकमात्र बिजली संयंत्र भी बंद हो चुका है। अब गाजा के अस्पतालों में भी केवल कुछ ही वक्त का ईंधन बचा है। अगर वो खत्म हो गया तो हजारों जिंदगियां बेमौत मारी जाएंगी। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध में अब तक 2,670 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 9,500 से ज्यादा घायल हैं, जिन्हें इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। हजारों की तादाद में लोग मौत की शैया पर लेटे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि इसराइल ने 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गाजा के दक्षिण में जाने का आदेश दिया है, जो क्षेत्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। सेना का कहना है कि वे उत्तर में हमास के खिलाफ एक बड़े अभियान से पहले नागरिकों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 6 लाख से ज्यादा लोग पहले ही गाजा सिटी का क्षेत्र खाली कर चुके हैं, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी अस्पतालों और स्कूलों में आश्रय की तलाश कर रहे हैं। भोजन और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। गाजा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, जिससे अस्पतालों में शरणार्थियों और मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डॉक्टर मेधात अब्बास ने कहा है कि लोगों को लगता है कि उनके घर नष्ट हो जाने और उन्हें भागने के लिए मजबूर होने के बाद ये एकमात्र सुरक्षित स्थान है। गाजा शहर तबाही का भयावह मंजर है। गाजा के सभी अस्पतालों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। खान यूनिस में नासर अस्पताल में आईसीयू घायल मरीजों से भरे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। यहाँ जल्द ही ईंधन खत्म होने की आशंका है। क्रिटिकल केयर कॉम्प्लेक्स के सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद कंदील ने कहा है कि अगर ईंधन खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है पूरी स्वास्थ्य प्रणाली ठप हो जाएगी, सेवाएं बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम एक आपदा और एक युद्ध अपराध, एक ऐतिहासिक त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बिजली आपूर्ति ठप हुई तो इन सभी मरीजों पर मौत का खतरा है। गाजा में बिगड़ते हालातों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी चिंता जताई है। WHO ने कहा है कि उत्तरी इलाकों के अस्पतालों में नवजात शिशु और ICU में इलाजरत लोगों समेत 2,000 से ज्यादा मरीजों के लिए निकासी मौत की सजा के समान हो सकती है। गाजा में भोजन, पानी, ईंधन की किल्लत और अब इसराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के फरमान से गाजा में बर्बादी का मंजर है। हजारों जाने खतरे में हैं।